महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक, उसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र संकट पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बहुत बड़ा बयान। संजय राउत कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, महाराष्ट्र में सत्ता चली जाएगी ना, लेकिन पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या कहा संजय राउत ने, जरा ये सुनिए पहले आप। हम संघर्ष करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। सर जर त्यांच्या कोणतेही मागण्या नाही, जर त्यांचे कोणतेही रोज नाही, मग ते गुवाहाटीला एवढं सगळे आमदार। ना शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी है, हमारे मित्र है, सालों साल से हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना, और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी, आज सुबह हम दोनों ने एक घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है, कोई बात छुप कर नहीं रहती है, वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है, सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व। तो संजय राउत को आपने सुना, कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी ना, पार्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं। सीधे आपको लेकर चलेंगे गुवाहाटी, मेरी सहयोगी मनु गलोयवाल इस वक्त मौजूद है, और वहीं गुवाहाटी में 5 सितारा होटल जिसके भीतर इस वक्त एकनाथ शिंदे मौजूद हैं, कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे के तेवर। मनु गलोयवाल क्या यही बता रहे हैं कि शिवसेना को ही उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे अब छीन लेना चाहते हैं, इसी वजह से ये बेबसी संजय राउत की जो इस बयान में दिख रही है। देखिए ये शब्दों में जो शब्दावली के जो लड़ाई हो रही है, इसमें संजय राउत ने खुद ही बता दिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या इस बात का खतरा है या इस बात का अंदेशा है, ये उससे बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या ये उनकी अभी की सुगबुहाट है या फिर आने वाले दिनों के खतरे की आहट है। लेकिन आज इसी होटल में इस समय तो इस समय बैठक चल रही है, बैठक में सभी विधायक शामिल हैं, बैठक में बातचीत का दौर और उसके बाद आगे की रणनीति, ऐसा माना जा रहा है कि और 2 विधायक मुंबई से गुवाहाटी का सफर तय करने वाले हैं, लेकिन इस पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि ये सारे गणित इसी आधार पर अब आगे की लड़ाई तय होगी कि किसके खाते में कितने नंबर हैं, और इसी गणित के आधार पर बीजेपी भी दावा ठोक पाएगी कि नहीं, क्योंकि सुबह कहा गया था कि करीब 40 लोग हमारे साथ हैं और दोपहर तक 36 कुल मिलाकर अंदर बैठे हुए हैं, बाकी आ रहे हैं और उसके साथ साथ बातचीत भी चल रही है। तो एकनाथ शिंदे ये बखूबी जानते हैं कि उन्होंने ये जो गैम्बल या ये जो कदम उठा दिया है इसमें वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, ही हैज़ बर्नड ऑल द ब्रिजेस बिहाइंड हिम, लेकिन इसके आगे बढ़ने के लिए उन्हें ये भी पता है कि अगले कुछ दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। भले ही राज्यपाल की तबीयत खराब हो, अभी वो अस्पताल में हो, लेकिन इससे कोई भी कार्रवाई रुकेगी ऐसा नहीं लगता है। ऐसे में क्या चिट्ठी जाते ही अब आगे की कार्रवाई हो जाएगी, और किस तरह से आज की बैठक में ये तैयारियों को और आगे लेकर जाया जाएगा, क्योंकि गणित बहुत ज़रूरी है। 36-37 का वो जो मैजिक नंबर है ना, वो पहुँचना शिवसेना के लिए ज़रूरी होगा, जिससे किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई या कानूनी दांवपेच में या एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे कहते हैं उसमें दल बदल कानून के तहत कोई भी पार्टी का या फिर आज जो विधायक यहाँ शामिल है वो उनके ऊपर किसी भी तरह का दाग न लगे, लेकिन उसके साथ साथ ये धुलाई भी हो जाए। बाबा, बाबा। पूर्णिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।